तो फ्रेंड्स, क्या आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो, एक वेबसाइट बनाकर उसमें आर्टिकल पोस्ट करके और अच्छे खासे पैसे क्या कमाना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो है आपके लिए। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है आपके साथ या फिर हमारे साथ कि हम ब्लॉगिंग तो करना चाहते हैं, हम अच्छे खासे आर्टिकल भी लिखना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये कि हमारे पास एक पीसी है, पीसी नहीं है, बेसिकली हमारे पास एक पीसी या फिर लैपटॉप नहीं है, हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। तो क्या मोबाइल फ़ोन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्या मोबाइल फ़ोन में हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं? तो गाइज, इसका सीधा ज्यादा आंसर है हाँ, आप आराम से ब्लॉगिंग कर पाओगे अपने मोबाइल फोन से। बट कुछ शर्तें होती है जो कि आपके साथ मोबाइल में कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आप अगर मोबाइल में ब्लॉगिंग करते हो, तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो गाइज, हम सबसे पहले बात करें कि मोबाइल में ब्लॉगिंग को हम कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए गाइज, ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग एक वेबसाइट बनाना है जहां पर आप अपने आर्टिकल को पोस्ट करके उसमें ऑडियंस ला सकते हो, एडसेंस अप्रूव करवा सकते हो और एडसेंस के द्वारा एड्स आएगी और उससे आप अर्निंग जनरेट कर सकोगे। लेकिन दोस्तों, वेबसाइट बेसिकली कोडिंग करके HTML जो भी होती है प्रोग्रामिंग करके बनाई जाती है, लेकिन आप विदाउट कोडिंग भी बना सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर। ये बेसिकली टू वेबसाइट्स, बहुत अच्छे वेबसाइट है जो कि बेसिकली लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वर्डप्रेस फ्री नहीं है और ब्लॉगर फ्री है। लेकिन अगर फ्री है तो भाई कुछ आपको डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकती हैं, कुछ छोटी छोटी डिसएडवांटेज हैं ब्लॉगर के साथ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लॉगर से आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लॉगिंग आप कैसे कर पाओगे, यानी ब्लॉगर की एक छोट अकाउंट कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो गाइस, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने मोबाइल फ़ोन को उठाना एंड उस मोबाइल फ़ोन में आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर सर्च करना है www.blogger.com या फिर सिंपल आप ब्लॉगर सर्च कर सकते हो। दोस्तों, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करके आप यहाँ पर साइन अप करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का नाम रख सकते हो, जो भी आप अपना ब्लॉग का नाम रखना चाहते हो। आप अपने नीच के हिसाब से, आप अपने ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट के टॉपिक के अनुसार आप यहाँ पर ब्लॉग का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आप एड्रेस सेट कर पाओगे, ये एड्रेस मतलब कि डोमेन। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर डोमेन परचेज करते हो तो फिर आप अपना एड्रेस परचेज करवाओगे। लाइक अगर मुझे वेबसाइट बनाना है तो मैं एक वेबसाइट का एड्रेस डोमेन परचेज करूंगा, www.evanpeeyush.com, इसे मुझे परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लॉगर में इसे परचेज नहीं करते हो तो भी आप ब्लॉगिंग कर पाओगे, लेकिन शर्त एक है कि आपको सब डोमेन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैं www.evanpeeyush.com को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे www.evanpeeyush.blogspot.com, जहाँ दोस्तों ब्लॉग स्पॉट जो कि ब्लॉगर का एक सब डोमेन है, इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये चीज़ करने के बाद आपका सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ब्लॉगिंग। आप यहाँ पर आपको आर्टिकल्स वगैरह लिखने पड़ेंगे। दोस्तों, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, क्या कुछ एडिटिंग की जाती है, किस तरीके से हम इमेज एड करते हैं, क्या परमालिंक होता है, साथ ही साथ आपको किस तरीके से टाइटल लिखना है, सब हेडिंग, हेडिंग, ये सारी चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आने वाली जो वीडियो है उसको भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम उस वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे कि आप कैसे एक आर्टिकल को लिख सकते हो, उसमें फोटो, वीडियो, जो भी चीज़ है वो कैसे ऐड कर पाओगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, ये बात हो गई कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से ये सारी चीज़ों को कर पाओगे। अब यहाँ पर इस वीडियो का मेन टॉपिक, मेन पड़ाव आता है कि क्या क्या आपको परेशानियाँ, प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आप ब्लॉगिंग करते हो। तो देखिए दोस्तों, पहली प्रॉब्लम तो अगर आपके पास मोबाइल में अगर अच्छी स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में अच्छी स्टोरेज कैपेबिलिटी जो भी होती है, रैम रोम, अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर यहाँ पर आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर्टिकल आप लिख रहे हो तो आपको जो भी क्रोम में है वो अलग अलग टैब में वर्क करना पड़ेगा। लाइक कभी आप ब्लॉगिंग में आ गए, आर्टिकल लिख रहे हो, आपको कोई लिंक को चूज करना या फिर कोई लिंक को अटैच करना, फिर आपको दूसरा टैब ओपन करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर क्रोम में आप अलग अलग टैब ओपन करते हो एंड आपकी स्टोरेज की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है आपकी मोबाइल फ़ोन की, तो फिर यहाँ पर जो स्टोरेज है वो इरेज हो जाता है। तो जो आपका टैब है वो प्रीवियस टैब आपकी डेटा को अच्छे से स्टोर थोड़ी देर के लिए नहीं कर पाता और इरेज हो जाता है और फिर से रिलोड होता है, और जो भी आपने काम किया है प्रीवियस टैब में वो सारी चीज़ें इरेज हो जाती है।
तो ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार आपको परेशानियां आ सकती है अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेसर होती है वो अगर अच्छी नहीं है तो। तो ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। अगर आपके पास एक बढ़िया मोबाइल फ़ोन है तो आप अच्छे से इसको वर्क कर पाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगली चीज़ की। अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हो तो आपको मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस रिकमेंड करूँगा। पहला जो एप्लीकेशन है वो है राइटर। या दोस्तों राइटर जो एप्लीकेशन है इसमें आप खुद से जो भी ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग की हेडिंग, सब हेडिंग, हैशटैग लगा के लिख पाओगे। यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरा हेडिंग है तो इस चीज़ को मैं हेडिंग में लिखूंगा हैच लगा के, ये मेरा सब हेडिंग है तो डबल हैच लगा के। और इस तरीके से आप आर्टिकल को पहले राइटर में अच्छे से लिख सकोगे, वहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। आप ऑफलाइन भी लिख सकोगे राइटर में, एंड उसके बाद इसे कॉपी करके आप ब्लॉगिंग में जो भी आपका ब्लॉगर है वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दोगे। तो राइटर एप्लीकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ और एक एप्लीकेशन है जो कि आपके पास होना ज़रूरी है, वो है आपका ग्रामरली का कीबोर्ड। क्योंकि दोस्तों अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक को यहाँ पर ग्रामरली कीबोर्ड अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो आप ग्रामरली कीबोर्ड का भी यूज़ ज़रूर कीजिए अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं तो। अब दोस्तों और कुछ एप्लीकेशन है लाइक पिक्सआर्ट और पिक्सल लैब, जिसमें आप अपनी इमेज को एडिट कर पाओगे और ऐड कर पाओगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक आर्टिकल को लिख सकते हैं हम अपनी मोबाइल फ़ोन की जरिए से। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और ब्लॉगिंग की ही वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा गुड बाय।